हर रोज। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। पिछली बार लोकसभा में जब राहुल गांधी ने अडानी जी का नाम लिया था दोस्तों, उस वक्त ही सत्ता पक्ष भाजपा की बौखलाहट अचानक देखने को मिली थी। आज भी यही हुआ है, मगर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि आज वो अडानी पर नहीं बोलेंगे, इसलिए भाजपा वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के संसदीय बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार संसद में लोकसभा में अपना भाषण दिया दोस्तों। उन्होंने मणिपुर को लेकर सरकार को जमकर घेरा है, जो मैं आपको इस खबर में ना सिर्फ बताने वाली हूँ बल्कि दिखाने वाली हूँ राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, सब कुछ इस वीडियो में आप जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा उठाया तो संसद में सत्ता पक्ष को तो ठेस पहुंची ही, मगर ओम बिरला साहब भी बड़े असहज से हो गए। जो था, जो सच्चाई थी, वही राहुल गांधी बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। आपको वीडियो दिखाते हैं, आप समझिए कि आखिर वो माँ की हत्या जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। दोस्तों ये वीडियो देखिए आप। भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। जी तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं अपनी भारत मां की हत्या की बात कर रहा हूं, ये हत्यारे हैं। एक मां मेरी यहां बैठी है और बाकी मणिपुर में है, जिनके हत्या हो रही है, लगातार हत्या हो रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भी घेरा और पीएम मोदी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर गया, रिलीफ कैंप में महिलाओं से मैंने बातचीत की, बच्चों से मैंने बातचीत की, जो प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा दोस्तों कि रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, मोदी जी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। अब यहाँ सीधे तौर पर राहुल गांधी किस तरफ इशारा कर रहे हैं यह आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जहाँ राहुल गांधी ने ये बात कही है जो अभी मैंने आपको बताई। रावण आखिर क्यों बता दिया है उन्होंने, किसको बता दिया है, वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो देखिए आप। रावण रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। जी तो राहुल गांधी लोकसभा में पहले भाषण में ही इस तरीके से गरजे हैं कि सबके सब उनका ये भाषण सुनकर हैरान रह गए हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया दोस्तों, तो उस पर सभी विपक्षी पार्टियों को बोलना था और राहुल गांधी को भी बोलना था। राहुल गांधी का संबोधन पहले होने वाला था लेकिन राहुल गांधी का संबोधन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से दूसरे जो नेता है कांग्रेस के, गोगोई साहब, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने अपना भाषण दिया और उन्होंने भी अडानी का ही जिक्र किया था। साफ सीधे तौर पर उन्होंने यह कहा कि अडानी के नाम पर इस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग बौखला रहे हैं। जब मैंने मोदी जी का नाम लिया, जब मैंने अमित शाह जी का नाम लिया, तब इनकी बौखलाहट देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे ही अडानी का नाम लिया वैसे ही सबके सब चिल्लाने लगे। तो यहाँ संसद में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है, संसद में बहुत गहमा गहमी का माहौल बन चुका है। देखिए अभी के इस वक्त की स्थिति की बात करेंगे तो मणिपुर पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि मणिपुर को सरकार ने लगातार दरकिनार किया, ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगता आया है। राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर वहाँ का दौरा किया, मणिपुर जाकर वहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, तो इसलिए वो वहाँ जाकर आए हैं और अगर वो इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, वहाँ की स्थिति बता रहे हैं, तो उनकी बात जो है वो इस वक्त सुननी चाहिए। लेकिन
क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी हैं, तो वो जो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी ही करेगी। कोई आप कह सकते हैं कि उसको सुनने के लिए कोई भी भाजपा का नेता जो है तैयार नहीं है, और यही कारण है कि राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरा, और सीधे तौर पर उनका ये जो भाषण है ये इस वक्त लोकसभा में ऐसा गूंजा है दोस्तों कि उसकी गूंज जो भी उसके भाषा है या उसके जो बोल है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों में गूंज रहे होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, भाषण में जो जो बातें कही, उस पर आप क्या सोचते हैं, वो कितना सही था कितना गलत था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।